हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि फिल्म पद्मावती को रिलीज नहीं किया जाना चाहिए, इसके कारण हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। हमारे मंत्री विपुल गोयल जी ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री जी को लिख दिया हुआ है कि इसको रिलीज ना किया जाए, तो वो एक मंत्री लिखता तो वो सरकार की ही राय होती। कानून व्यवस्था को मानते खतरा हो सकता है अगर रिलीज होती है तो? नहीं, बिल्कुल है, इसको सारा जो हिंदुस्तान है वो इसको ठीक नहीं मान रहा है और इसका विरोध कर रहा है, तो इसलिए इसको रिलीज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और मुद्दों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पराली कुछ ही महीने की समस्या है जबकि दिल्ली में प्रदूषण पूरे साल ही रहता है। विज के अनुसार अगर ये समस्या हरियाणा या पंजाब पैदा करता तो चंडीगढ़ में भी स्मॉग होनी चाहिए थी। पराली को इन्होंने मुद्दा बनाया है, पराली केवल एक महीना जलती है, बाकी 11 महीने दिल्ली के प्रदूषण का क्या हाल है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते केजरीवाल, उसके लिए क्या उपाय करते हैं? और फिर ये भी क्या कारण है कि सारी हवाएं दिल्ली की तरफ ही चलती हैं? अगर पराली ही एक मुख्य कारण होता तो आज चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर होना चाहिए था, जो हरियाणा और पंजाब के बीच में है, जो पैडी ग्रोइंग स्टेट्स हैं, परंतु ऐसा नहीं है। पराली भी एक कारण है, उसको चेक करने के लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं, हमने केसेस भी दर्ज किए हैं, हम किसानों को एजुकेट भी कर रहे हैं, हम उनको नया इक्विपमेंट इसकी पराली की बंदोबस्त के लिए लेने के लिए हम सब्सिडी भी दे रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं और हम इसके लिए करते रहेंगे, क्योंकि पर्यावरण को सुधारना हर आदमी का जरूरी है। परंतु दिल्ली के केजरीवाल के इस प्रस्ताव से मैं सहमत तो नहीं हूँ कि ये केवल हरियाणा या पंजाब की पराली जलाने से होता है, और ये तो दो मुँह साफ है। दिल्ली में तो कहते हैं कि पराली जलाने से होता है, और पंजाब में आप पार्टी के लोग खड़े होकर पराली जलाते हैं, फोटोएं खिंचवाते हैं, टीवी पर देते हैं, तो दिल्ली में इनकी अलग राय है, पंजाब में अलग राय है, हरियाणा में अलग राय है, तो केजरीवाल को दिल्ली का कारण दिल्ली में ढूंढना चाहिए।